आज मैं आपको स्पीच थेरेपी के बारे में कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहले स्पीच थेरेपी होता क्या है? स्पीच थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बोलने की समस्या से जूझ रहे बच्चों को कई प्रकार की युक्तियों एवं तकनीकी चिकित्सा के माध्यम से बोलने की क्षमता को विकसित करने में लाभ मिलता है। स्पीच थेरेपी क्या लगता है, अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ आपकी स्पीच थेरेपी है क्या। कई बार आप देखते हैं आपके पड़ोस में या स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पाते हैं या उनके अंदर से साउंड ही नहीं निकल पाती है, श को श बोलते हैं। उस समस्या को ठीक करने के लिए जो थेरेपी दी जाती है उसको स्पीच थेरेपी कहते हैं। स्पीच थेरेपी में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मींस पहचानना। बच्चे को सबसे पहले आवाज की पहचान करवाई जाती है। वो कोई भी साउंड हो सकती है, आपकी एनवायरमेंटल साउंड भी हो सकती है, घर में कोई भी साउंड हो सकती है, जैसे प्रेशर कुकर की आवाज, बाथरूम में टैप की आवाज, क्लैपिंग की आवाज, गिलास चम्मच की आवाज। अगर बच्चे को आप पीछे से साउंड दे रहे हैं, बच्चा पीछे हट के देख रहा है, इट मींस वो सुन रहा है। तो हम सबसे पहले बच्चे को रिकॉग्नाइज मतलब आवाज की पहचान करवाते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। ये अश्लील लड़की है और ये डेप है, बट कहीं हद तक ये आवाजों को पहचान लेती है। जैसे मैं इसको गिलास और चम्मच से आवाज दूंगी तो अपना हैंड ऊपर करेगी, जब मैं इसको क्लैपिंग की साउंड दूंगी तो ये अपनी वन फिंगर ऊपर करेगी। अब मैं इसको क्लैपिंग की साउंड दूंगी, अगर इसको क्लैपिंग की साउंड सुनाई देगी तो ये अपनी फिंगर ऊपर करेगी। यस, वेरी गुड। आप देखो ये चीज कि जब मैं क्लैपिंग की साउंड दे रही हूं, अगर मैं टू टाइम क्लैप कर रही हूं ये तो फिंगर ऊपर करिए, अगर मैं वन टाइम क्लैप कर रही हूँ तो ये वन फिंगर ऊपर करिए। इट मींस इसको काफी हद तक जो साउंड है उनकी पहचान है। जैसा कि आप सबने देख लिया कि अर्शप्रीत को साउंड्स की पहचान है काफी हद तक, इसको तीखी साउंड की पहचान है, इसको ये भी पता है कि हम कितनी बार पीछे से इसको साउंड दे रहे हैं, ये उतनी बार ही अपना हाथ जो है ऊपर कर रही। अब मैं इसको धीमी साउंड दूंगी, अगर देखो ये धीमी साउंड कैच कर रही है या नहीं कर रही है। जैसा कि आपने देखा जो ये तीखी आवाज है ये उन आवाज को ये जल्दी कैच करती, बट जब हम इसको धीमी आवाज दे रहे हैं तो उसको धीमी आवाज को पहचानने में थोड़ी सी समस्या आ रही है। हमें बच्चों को पहले तीखी आवाज देनी चाहिए, जैसे गिलास चम्मच की आवाज, क्लैपिंग की आवाज, मतलब कोई भी साउंड हो सकते हैं। फिर हमें धीरे धीरे बच्चों को लो साउंड पे लेके आना चाहिए। तो प्लीज सभी पेरेंट्स ने बच्चों को घर पे ये एक्टिविटी करवानी है। आप बच्चों को कोई भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की साउंड दे सकते हैं। आपने देखना है अगर बच्चा पीछे मुड़ के देख रहा है इट मींस वो सुन रहा है।